हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय कार मैकेनिक। तो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ मारुति सुजुकी सियाज की सर्विस, और ये सर्विस रहेगी 90,000 किलोमीटर की। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा मीटर। 90,000 किलोमीटर की जो फुल सर्विस होगी उसको हम आप आज कवर कर और आप लोगों को बताएंगे कि 90,000 किलोमीटर पर क्या क्या चीज़ें चेंज हमें करनी है और क्या क्या चीज़ों को हमको चेक करना है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा डीज़ल इंजन, और इस इंजन में हमको 1.3 लीटर का है, जो कि इसमें हमको सर्विस में क्या क्या है तो हम चेंज करेंगे। ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर चेक करेंगे, कूलेंट, और हमारा ब्रेक ऑयल वगैरह भी रहेगा। तो ये है हमारा ऑयल फिल्टर, जो कि कुछ इस तरीके का रहता है, इसे पकड़ो। और ये हमारा फिल्टर, ये काफ़ी गंदा हो चुका है, ये कितनी धूल है इसमें। तो ये हमारे लेफ़्ट साइड के ब्रेक पैड हैं, इनकी भी थिकनेस ठीक ही है, तो हम इसको करेंगे क्लीन। क्लीन करने के बाद इसको वापस लगाएंगे गाड़ी में। तो ये हमारा रियर ब्रेक, इसके भी ब्रेक पैड हमारे ओके हैं, तो अब हम इसको करेंगे क्लीन। क्लीन करने के बाद में मानेंगे। तो भैया करिए। तो फाइनली अभी हमने इसका सामान परचेज करवा लिया है। ये है इसका ऑयल फिल्टर, ये मारुति सुजुकी कंपनी का है, और दूसरा है इसका एयर फिल्टर, मैंने लिया हुआ है एयर फिल्टर एलिमेंट, जो कि 260 रुपये के तकरीबन है। और हम डालेंगे इसमें ये TVS कंपनी का कूलेंट, ये देखिए। तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है इसका, मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है कई गाड़ियों में। तो 2 लीटर कूलेंट है ये हमारे पास, और ये है कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक 5W30 फुल सिंथेटिक ऑयल। तो इस कंपनी का हम करेंगे ऑयल यूज। तो ठीक है, अभी हम गाड़ी में फिट करते हैं फिर इसको। तो यहाँ पे फिट होगा हमारा ऑयल फिल्टर, जिसको बहुत अच्छी तरीके से हमको क्लीन करना होता है, तो क्लीन करना ज़रूरी है। उसके बाद में हम ये इसका रहेगा ऑयल कैप, ऑयल कैप भी मैंने क्लीन कर लिया है, और ये है इसका ऑयल फिल्टर। हम इसमें लगाएंगे न्यू ऑयल सील रिंग, जो कि इस तरीके से है, ठीक है। ये ऑयल फिल्टर है, इस जगह पे हमको हल्का सा लुब्रिकेशन करना होता है, ये करेंगे हम इसको लुब्रिकेट। इसमें मैंने लगा दी है न्यू ऑयल रिंग, जो कि हमारी ऑयल लीकेज ना हो इसलिए लगी होती है यहाँ से, ये ऑयल फिल्टर के साथ दी हुई होती है। तो अभी हम इसको कर रहे हैं हल्का सा लुब्रिकेट, और फिर उसके बाद में हम लगाएंगे ऑयल फिल्टर को। कटनी करनी ना करना, ऐसे ऑयल निकालना।
गंदी करते कम नहीं देगा। तो फाइनली हम कर रहे हैं इसका ऑयल फिल्टर को टाइट, दाइती करी नहीं है तुम्हारे ऊपर, और इसको काफी हल्के से टाइट करना होता है, ज्यादा ताकत नहीं लगानी होती। तो अभी हम डालेंगे इसमें कूलेंट को, ये इसकी है कूलेंट बोतल, उसमें हमको डालना है कूलेंट। तो ये हम इसमें ग्रीन कलर का कूलेंट को यूज़ कर रहे हैं। पानी डालो इसमें, तो फाइनली गाड़ी की सर्विस हो चुकी है कंप्लीट। तो अब हम इसको करेंगे स्टार्ट। तो गाड़ी हमारी हो चुकी है स्टार्ट।